प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हर परिस्थिति में आपके साथ में होते हैं? जब सदरक मेशक अबेदनगो को पैर बांध करके धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया गया और जिन लोगों ने उन्हें आग के भट्टे में डाला वे तो जल गए, परंतु इनके साथ में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में उस आग के भट्टे में उपस्थित हो गए। और राजा नबूकदनेस्सर क्या देखता है थोड़ी देर बाद कि तीन नहीं बल्कि अब चार दिखाई देते हैं और आग के भट्टे में वो चारों घूम रहे हैं और उन्हें कोई भी आंच नहीं लग रही है। और तब राजा नबूकदनेस्सर ने सद्रक मेशक अबेदनगो से कहा कि तुम आग के भट्टे से बाहर आ जाओ। और जब वे बाहर निकले तब राजा ने परम प्रधान परमेश्वर की बड़ी महिमा की। परमेश्वर उस आग के जलते हुए धधकते हुए भट्टे में भी उनके साथ में था। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आज आप कैसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परेशानी में हो, परमेश्वर आपके साथ में है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। जिस प्रकार से वो सद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में उस धधकते हुए आग के भट्टे में था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। और जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका एक भी बाल न जला था और न उनसे जलने की गंध आ रही थी। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाल के लाएंगे तो आपकी कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा के समय, उस परेशानी के समय, उस परिस्थिति के समय वो आपके साथ में है। जिस प्रकार सद्रक मेशक अबेदनगो की कोई भी हानि नहीं हुई, उनका एक भी बाल नहीं जला, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपकी भी कोई हानि नहीं होने देंगे, क्योंकि वो उस परिस्थिति में जिससे आज आप गुजर रहे हैं वो आपके साथ में है। शायद आपको लग रहा हो कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, यीशु मसीह ने आपको छोड़ दिया, यीशु मसीह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर दिखता नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है। इस परेशानी के समय, इस दुख के समय, इस बीमारी के समय आपकी कोई हानि नहीं होगी। आप विश्वास रखें, प्रभु आपको उस परिस्थिति से बाहर सुरक्षित लेके आएंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।